समझता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोरियर बॉय का जॉब बहुत आसान होता है। बस वही गलतफहमी को दूर करने के लिए आज हम एक दिन एक कोरियर बॉय के साथ बिताने वाले हैं। सो मिलिए हमारे कोरियर बॉय से सरोज भाई, और हम आज एक डिलीवरी ऑफिस में हैं। यहाँ से हमारा ड्यूटी ईयर स्टार्ट होगा। सब कुछ अभी पैक हो चुका है और अभी हम निकलेंगे इसको डिलीवर करने के लिए। इससे पहले भी बहुत कुछ प्रोसीजर रहता है जो कि मैं शूट कर चुका हूँ, आप देख लो वो पहले, फिर मिलते हैं यहीं पर आके। ये पूरा सील होके आता है ना? हाँ, इसको यहाँ पे काटना पड़ता है। ये जो पार्सल आता है उसको फर्स्ट स्कैन करना पड़ता है। कितने बार स्कैन होता है टोटल? एकदम टैग सील करके ऐसे भेज रहे हैं। ये बड़े बड़े बॉक्स के अंदर ऐसे पार्सल आता है, इसको भी स्कैन करना पड़ता है। हाँ, इसको स्कैन करके जिसका एरिया में उसके एरिया में डाल देते हैं। अच्छा, पार्सल सब स्कैन करने के बाद एरिया वाइज उसको सॉर्टिंग करके ऐसे रखते हैं। सो भाई का कहना है कि ये एरिया वाइज सॉर्टिंग कर दे रहे हैं क्योंकि आसानी होगा बैग से निकालने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक पार्सल नीचे रहेगा तो पूरा सब कुछ निकालना पड़ता है अंदर से। ये सब कुछ स्कैन करने के बाद ये सब मोबाइल पे आ जाएगा। हाँ। सो अभी सब डिलीवर करने के लिए रेडी। ये आ गया देखो। आज कितना पार्सल है? 59। आज 59 पार्सल है भाई के पास और पूरा दिन हम भाई के साथ ही रहेंगे। सो चलो पैकिंग करते हैं। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। भैया ने एक बैग सामने टांग लिया और एक बैग मेरे पीछे है। ये देखो, ये रहा बैग पीछे, तभी निकलना पड़ेगा। सो निकल चुके हैं भैया के साथ। भैया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अभी फिलहाल और मैं पीछे बैठा हूँ बैग टांग के। सो चलिए पहला पार्सल आज का डिलीवर करते हैं और देखते हैं कितने बजे तक ख़त्म होगा पूरा सब, क्योंकि आज 59 पार्सल है। इस गली में हमारा फर्स्ट पार्सल डिलीवर करना है। हमारा पहला पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। हेलो सर, आपको पार्सल अभी टाइम हो रहा है 12:53 और अभी तक सिर्फ 5 या 6 ही पार्सल डिलीवर हुआ है। बैग में है कौन सा? एक्चुअली भैया के साथ घूम के सांता वाला फील आ रहा है, लोगों को घूम घूम के मेरे झोले में से गिफ्ट बांट रहा हूँ। ये ऐसे 12 या 13 नंबर का पार्सल डिलीवर हुआ। हो गया। चेहरे का हालत कुछ खराब हो चुका है भाई, धूप में घूमते घूमते एकदम लाल हो चुका हूँ। अभी पियेंगे गन्ने का रस। भैया कहाँ से लेके जा रहे हो यहाँ से? अरे भाई ये
भाई लोगों के घर के बीच में से लेके निकाले हैं। मैं बारी पता का हूँ लेकिन मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे कि रोड है। देखो डिलीवर करने कौन कौन से रास्ते से कौन कौन से गांव के बीच से जाना पड़ रहा है हमें। और गाड़ी मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि भाई को लेट होगा मैं चलाऊँगा तो, क्योंकि भाई को ही एड्रेस पता है सभी जगह का, और मैं चलाऊँगा तो मुझे पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। सो इसीलिए भाई को गाड़ी चलाने दे रहे। और अभी तक शायद 20 या 22 पार्सल हमारा हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 2:12। सो अभी थोड़ा लॉन्च ब्रेक के लिए चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम और बाकी का डिलीवर करेंगे सर। ठीक है, फिर से आए थे हम ऑफिस। अभी टाइम हो रहा है 3:48 और फिर से सेकेंड इनिंग्स के लिए रेडी। चलो सेकेंड इनिंग शुरू किया जाए। अरे भैया जी बहुत भारी है आपका बैग। वो बड़ा बड़ा पार्सल डिलीवर्ड हो गया भैया। और कहाँ पे नेक्स्ट? पुन्नाट से सिद्धार्थ होटल के सामने। चलो मैं चला रहा हूँ, आप बैठो और पीछे बैठा नहीं जाएगा। यहाँ पे और एक पार्सल देना है। तार अलगा पार्सल आसे आज अलगा पार्सल आसी माने जणा पण कैमरा है तो वहाँ एक पार्सल देने के बाद यहाँ पे और एक पार्सल है। ए तो अच्छा यहीं पे। सो भाई जिसको भी लग रहा है कि डिलीवरी बॉय बनना आसान चीज़ है, एक बार एक दिन के लिए इनके साथ गुजार के देखो हालत ख़राब हो जाएगा आपका भी। देखो मैं सुबह 9 से अभी शाम का 4 बज चुका है लेकिन पार्सल ख़त्म नहीं हुआ। सो भैया इस दुकान के अंदर है, पार्सल देने गए हैं और मैं यहाँ पे वेटिंग मोड पे हूँ। अभी निकल जाएंगे यहाँ से। यह हमारा शायद 40 या 41 वाला पार्सल है। अभी 8:23 हो रहा है और भाई देखो ये इस जगह पे मैं बैठा हूँ, भाई भी कॉल कर रहे हैं, लगभग ख़त्म होने वाला है हमारा पार्सल। सो ख़त्म करके निकलते हैं घर के लिए। ठीक है, तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 7:32 और हमारा आज का डिलीवरी ख़त्म हुआ। और ये सब आप मेरे सामने जो देख रहे हो ये हमने पिकअप किया है, जो कि रिटर्न आप जो पार्सल रिटर्न करते हो ये वही रिटर्न वाला पार्सल है। और अभी सीधा चलते हैं ऑफिस, वहाँ पे जाके देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होता है। भैया देखो दिन भर घूमने के बाद इतने सारे पार्सल फिर रिटर्न आ गए। भाई क्या किया जाएगा इनका? इनका सब अभी रिटर्न पैकेज करेंगे। ये वाला पन्नी में फिर से घुसाना पड़ेगा इसको। पहले इसको स्कैन करते हैं। बस रिपोर्ट स्कैन होने के बाद ये कंफर्म हो गया। फिर इस पैकेज को इस ठेले के अंदर घुसा के इसके ऊपर यहाँ पे सील लगाए, इसको सील कर दें। फिर ये जाने के लिए कंपनी को रिटर्न तैयार है। ब्रो और कहीं पे डिस्पैच होने के लिए कुछ इसी तरह चलता है यहाँ का बिजनेस।
फाइनली आज का जितना कलेक्शन हुआ इसको हिसाब करके अच्छे से गिन के देना पड़ता है। ये रहा भैया का आज का कलेक्शन। सो फाइनली भैया का ड्यूटी आज खत्म हो गया, अभी सब कुछ कंप्लीट। तो आपने भी देखा हुआ कि आज का हमारा स्ट्रगल कैसा रहा। सो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और भैया बोल दो यस, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर देना, भैया की स्ट्रगल को दिखा देना थोड़ा अपने दोस्तों को। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो चलो।